हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे सेवन स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स का प्रैक्टिस सेट 18। इसके पहले के भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा सेवन स्टैंडर्ड मैथ्स इस नेम का, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 18 में आपको दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलॉन्ग साइड। ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें आपको ऑपोजिट रेज बताना है। ऑपोजिट रेज का मतलब क्या, आपके टेक्स्ट बुक में ही ये डेफिनेशन दी गई है। टू रेज विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी ऑपोजिट रेज। दो रे के पास एक सेम ओरिजिन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पी इनका ओरिजिन है, सेम ओरिजिन, और यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आपको यहाँ पर ऑपोजिट रेज बताना है। तो इसका सोल्यूशन ऐसे रहेगा, रे पी एल एंड रे पी एम। तो ये एक रे है और ये एक रे है, यानी ये जो आपको दिख रहा है पी एल, ये अपोजिट है पी एम के, ठीक है। और इनका सेम ओरिजिन देखो, यहाँ पर पी दिख रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा रे पी एल एंड रे पी एम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनका सेम ओरिजिन क्या है, कॉमन ओरिजिन है। यहाँ पर देखो पी है, यहाँ पर भी पी है, समझा। अब ऐसे ही दूसरा पैर आपको यहाँ पर मिलता है रे पी एन का, ये है पी एन और इसके अपोजिट में है पी टी, कॉमन ओरिजिन क्या है इनका, पी। तो ये दोनों हैं इसके सॉल्यूशन, देख लो, कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, आर द रे पी एम एंड पी टी अपोजिट रेज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं पी एम, ये जो आपको दिया गया है पी एम और पी टी, क्या ये अपोजिट रेज हैं। ऑपोजिट रेज के लिए हमें क्या चाहिए, उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए, चाहे वो ऐसी बने चाहे वो ऐसी बने, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या, नहीं, कॉमन ओरिजिन आपको मिल रहा है, दोनों का कॉमन ओरिजिन पी है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। लाइन कैसी बन रही है, देखो ऐसी लाइन बन रही है, पी एम यहाँ पर है और पी टी यहाँ पर है, तो स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर नहीं बन रही। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो रे का कॉमन ओरिजिन रहना चाहिए, कॉमन ओरिजिन तो हमें मिल रहा है लेकिन वो दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको ऑपोजिट रेज नहीं कहेंगे। तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, नो, रे पी एम एंड रे पी टी डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन एंड हेंस आर नॉट ऑपोजिट रेज। आया समझ में, चलो कर लो कॉपी इसको भी। प्रैक्टिस सेट 18 में आपको दो ही क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों हमने सॉल्व कर लिए। आप नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आएंगे। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।